हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तब आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को वापस कर सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। साथ में आपको दो तीन ट्रिक ऐसी भी बताऊँगा, आप उस ट्रिक की मदद से अपने मोबाइल फ़ोन को वापस भी ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपने फ़ोन को सेफ रख सकते हैं, ये सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो थैंक यू करना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि आपने मेरी वीडियो के लिए वॉच किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी अच्छी जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन चोरी होने के बाद हमें सबसे ज़्यादा मोबाइल की फिक्र नहीं होती है जितनी हमें अपनी डेटा को लेकर होती है। क्या है कि हमारे फ़ोन के अंदर हमारा इतना डेटा होता है कि हमें अपने डेटा की इतनी टेंशन होती है कि हमारा डेटा कहीं लीक नहीं हो जाए। और सबसे ज़्यादा टेंशन हमें उस वक्त होती है, मान लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने गूगल पे, फ़ोन पे या BOB के, यानी मान लो किसी भी बैंक का एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके बैंक की सारी डिटेल आपके फ़ोन के अंदर होती है। ऐसे में हमें सबसे ज़्यादा खतरा होता है अपने डेटा को लेकर। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से आप अपने डेटा को सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, और साथ में आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन अभी किस जगह पर, किस लोकेशन पे मौजूद है। तो ये सारी जानकारी आगे मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल पाए और वो भी इस वीडियो की मदद से अपनी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, चलिए वीडियो के लिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपका एक मोबाइल फ़ोन है और वो चोरी हो चुका है, या मान लीजिए कहीं गुम हो चुका है, आपको नहीं पता, आपका काफ़ी सारा डेटा उस फ़ोन के अंदर है और आप अगर उसे वापस लेना चाहते हैं, तो उसके पास तीन विकल्प होते हैं आपके पास में। पहला विकल्प होता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर रिंग कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन आपके आसपास कहीं होगा, मान लीजिए आपके रूम वगैरह में होगा, तो आपको रिंग करके पता लग जाएगा। अगर किसी और बंदे के पास होगा, तो आपको रिंग करने के बाद उस बंदे से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, हाथ में है, या फिर वो उसे छुपा के रखा हुआ है। अगर फ़ोन उसने छुपा के रखा होगा तो रिंग बजती रहेगी, रिंग ऑफ नहीं होगी। अगर रिंग ऑफ हो जाती है तो आप समझ लेना कि बंदे के हाथ में है आपका मोबाइल फ़ोन। दूसरा ऑप्शन होता है इसमें, और सारी चीज़ें मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। दूसरा ऑप्शन होता है दोस्तों, इसमें आप उसे मैसेज कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर अपना उसे भेज सकते हैं, ताकि अगर उसके मन में आ जाए आपको वापस करने की, तो वो वापस आपको कर सकता है। दोस्तों, तीसरा जो विकल्प होता है वो बिल्कुल लास्ट होता है, आखिरी होता है। मान लीजिए आपको लोकेशन भी नहीं मिल रही है और बंदा वो फ़ोन करने को भी वापस नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास एक ही विकल्प बचता है, आप अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने डेटा को बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन होंगे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, फोटोज़ या फिर वीडियोज़, वो पूरा डेटा आपका डिलीट हो जाएगा और आपका फ़ोन भी पूरा ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। लाइव कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल फ़ोन की Gmail ID पता होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपका जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है, उस मोबाइल फ़ोन पे आपकी कौन सी Gmail ID अभी लॉगिन है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये लॉगिन ID पता है, तो आप काफ़ी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लाइव करके दिखाता हूँ कैसे आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है। तो मैं चलता हूँ अपने फ़ोन की सेटिंग में, जैसे कि मेरे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग ये वाली है, तो आपको भी इसी तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, अपने सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। तो मैं सेटिंग पर क्लिक कर देता हूँ। तो सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको गूगल का। तो सिंपल आपको गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गूगल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपके लिए आपकी Gmail ID दिख जाएगी। अगर आपकी Gmail ID यहाँ ऑलरेडी पहले से लॉगिन है, जो आपकी मोबाइल फ़ोन खो गया है उसमें Gmail ID है, वो यहाँ भी आपकी ओपन है, तो आपको लॉगिन नहीं करना है। अगर आपकी Gmail ID उस फ़ोन में लॉगिन है और यहाँ लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पहले आप अपनी Gmail ID को, खोई हुई मोबाइल वाली Gmail ID यहाँ ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर लेना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड अदर अकाउंट, तो यहाँ क्लिक करा करेंगे तो आप अपनी Gmail ID को यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास Login ID पहले से ही है, लॉगिन है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इस तरीके से आपको यहाँ क्लिक कर लेना होगा। दोस्तों, क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, आपको सिंपल इस तरीके से इसे आगे कर देना है, और यहाँ एक ऑप्शन दिख जाएगा सिक्योरिटी का, तो क्या करना है आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, इस साइड में थोड़ा सा नीचे अगर आप आएंगे, तो यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख जाएंगे, एक तो आपका डिवाइस जो आप अभी लॉग इन है, आपका डिवाइस यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो दूसरा डिवाइस है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए मेरा ये वाला मोबाइल फ़ोन है जो गुम हो चुका है, मेरे पास नहीं है,
अब मुझे ऐसे ढूंढना है तो उसके लिए आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा फाइंड ए लॉस्ट डिवाइस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपका जो मोबाइल फ़ोन गुम हुआ है उसका लोकेशन डिवाइस आपको सब यहाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे कि ये गैलेक्सी J7 है, तो आपका जो भी डिवाइस होगा वो आपको नाम यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल यहाँ क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद एक इस तरीके का पेज पूरा आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके मोबाइल फ़ोन का डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है या गुम हुआ है, आपके मोबाइल फ़ोन पर कौन सा नेटवर्क है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरीज आपको जितनी भी बची हुई है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। और यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, पहला है आपको प्ले साउंड और दूसरा है सिक्योर डिवाइस और तीसरा ऑप्शन है इरेज डिवाइस। तो आपको क्या करना है, अगर आप पहले ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल फ़ोन चोरी हुआ है उस पर रिंग बजना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। दोस्तों अगर आपके आसपास में मोबाइल होगा तो आपको रिंग सुनाई दी जाएगी तुरंत ही, और इससे अगर आपकी बात नहीं बनती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक रिकवरी मैसेज का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी एक मैसेज रिक्वेस्ट टाइप का डाल देना है, जैसे आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है कि भाई मेरा मोबाइल चोरी हो चुका है वो प्लीज़ मुझे वापस कर दो, कुछ इस हिसाब से आप जो भी मैसेज आप डालना चाहें डाल सकते हैं। और यहाँ आपने एक मोबाइल नंबर डाल सकते हैं ताकि अगर आप इस पर मैसेज टाइप करेंगे या मोबाइल नंबर टाइप करेंगे उसके बाद सिक्योर डिवाइस पर क्लिक कर देना है तो ये मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पर पहुँच जाएगा। तो हो सकता है बंदा आपका मोबाइल फ़ोन वापस कर दे या आपको कॉन्टैक्ट कर ले, और इससे अगर आपकी बात नहीं बनती है तो आपको आ जाना है बैक। दोस्तों बैक आने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है इरेज डिवाइस वाला। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ क्लिक करके, मैं यहाँ क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा डेटा है वो डिलीट हो सकता है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन का जितना भी डेटा है, जो बंदा आपका चोरी किया हुआ मोबाइल फ़ोन है आप में लिया हुआ होगा जो भी, तो उसका सारा डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर चाहे कितने भी एप्लीकेशन हो, कितनी भी अच्छी आपके डेटा हो, तो आपका कोई भी डेटा लीक नहीं होगा, और ये चीज़ आपको काफ़ी जल्दी कर लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ से आप देख पा रहे होंगे एक मैप का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप चाहें तो अपना लोकेशन भी देख सकते हैं कि आपका डिवाइस अभी किस जगह पर है, यहाँ आपको अपने मोबाइल फ़ोन की लोकेशन दिख जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपने डेटा को भी डिलीट कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा तरीका है आपके लिए। दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। मैं मिलूँगा आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।